फाइनली यार, एक वीडियो बनाने के लिए ना लाइट्स देखनी पड़ती है, बार बार खिड़की बंद करना पड़ता है। मैंने 3 जगहों की खिड़की बंद कर दी। मैं सोच रही हूँ आवाज कहाँ से आ रहा है, तीसरे बड़े खिड़की से आवाज आ रही है। हाँ, फाइनली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड द थर्ड एपिसोड ऑफ माय बर्थडे सीरीज। फर्स्टली गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव ऑन माय प्रीवियस यूट्यूब वीडियो। मेरा वेट लॉस वीडियो इतना ज्यादा आप लोगों को पसंद आया। मैं उन लोगों में से वो जो बहुत ही ऑर्गेनिक वे में कंटेंट को प्रेजेंट करती हूँ। लाइक आई डोंट नो इतना एस्थेटिक्स, आई डोंट नो इतनी चीज़ें, और मैं अटेम्प्ट भी नहीं करती। मैं ऑफकोर्स फ्यूचर में जाके अटेम्प्ट करूंगी, बट इतना मुझे आता नहीं है। तो जो मेरा है वो सामने है। लाइक मुझे आर्म फैट दिखाना मैं ऐसे दिखा दूंगी, ऐसा नहीं कि अलग से एक पिक्चर पोस्ट करके प्रॉपरली, ना वो सब मेरे से नहीं होता। बट आप लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो मेरे ऑर्गेनिक कंटेंट को एंड मेरे ऑर्गेनिक फील ऑफ द वीडियोज़ को कि आई एम वेरी 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 थैंकफुल। मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि यार मुझे भी थोड़ा सा एस्थेटिक्स ऐड करना चाहिए, जो मैं करूँगी। ऑब्वियसली मुझे सीखना है, एवरी टाइम अ न्यू वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज गुड। बट थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वेट लॉस वीडियो। जिन्होंने नहीं देखा हो, मैंने काफ़ी इंचज एंड वेट लॉस किया है इन द पास्ट 3 मंथ्स, एंड मैंने जो मैंने सच में खाया है, किया है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया। सो डू वॉच इट। Anyways guys, today is your and my favorite video of all time, which is the girl talk video, or you can call this video questions girls are afraid of asking at home, parents, brother, sister, auntie, uncle. ये सारे questions जो आप आपके friends को या आपके relatives को नहीं पूछ सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो, because I am like your internet sister जो try करेगी आपके सारे questions को answer करने का। Before moving ahead, ये मेरा शेयर काउंट करना चाहिए था पहले बिफोर मेकिंग द वीडियो, बट आई थिंक ये मेरा 6th or 7th गर्ल टॉक वीडियो होगा। एंड सारे गर्ल टॉक वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार मिला है, बिकॉज वी टॉक अनफिल्टर्ड हियर, वी टॉक वेरी वेरी ब्रेव स्टफ। एंड ये सब ब्रेव का कोई बात नहीं है, ये एक्चुअली में हमारे लाइफ में हो रही है, और हम किसको पूछेंगे, राइट? हमें ये क्वेश्चंस, बिकॉज हमें मम्मी डैडी के सामने शर्म आती है, टीचर्स के सामने शर्म आती है। तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए लाइफ में जिसको हम सेक्स पीरियड्स, मास्टरबेशन, कुछ भी चीज, बूब्स, वजाइना, इन सब के बारे में पूछ सके। एंड दैट इज वाई मैं ये सीरीज ट्राई करती हूँ वंस इन 2-3 मंथ्स करने की। सो गाइस, मूविंग अहेड, आप सबको तो पता ही कि मैं सारे क्वेश्चंस एक बुक में लिख लेती हूँ, विच इज दिस हियर। एंड हम अब शुरू करेंगे हमारे आज का गर्ल टॉक सेशन, विच इज द थर्ड एपिसोड ऑफ माई बर्थडे सीरीज। सो लेट्स बिगिन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी जूसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड थैंक यू कि आपने कैसा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन, विच इज माई बॉयफ्रेंड कम्स रियली फास्ट वाइल हैविंग सेक्स एंड आई एम ऑलवेज लेफ्ट अनसेटिस्फाइड, वॉट शुड वी डू। ओके, सो लेट मी टेल अगेन, मैं कोई सेक्स गुरु नहीं हूँ, बट जितना मुझे आइडिया है, मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ, एंड उसके ऊपर से जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि इफ योर बॉयफ्रेंड कम्स फास्ट, फर्स्ट मेक हिम फील वेरी कंफर्टेबल। ओके, समटाइम्स इट गेट्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग फॉर योर पार्टनर इफ दे डू नॉट सेटिस्फाई यू एंड दे कम फर्स्ट। सो फर्स्ट मेक हिम फील वेरी कंफर्टेबल, फर्स्ट टेल हिम दैट इट्स ऑल राइट, इट्स जस्ट वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। समटाइम्स व्हेन यू डू सेक्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू tend to come faster. Okay, so the solution for this is, why don't you help him come through oral sex first? We also call it blowjob. Why don't you do that first and help him come first, and then after that you'll have penetrative sex. So once he's already come, maybe the second time he might come a little later. So I think this can be helpful for you and him as well. I hope I've made myself clear. अगर आप first time उसको help कर दोगे to orgasm, the second time he might come a little later, which will make you happy. Let's move on to the second question for today. This was also the most asked question, that hi Isha, I want to understand what is this white discharge and why do I have so much white discharge. First, white discharge is absolutely normal. Yellowish discharge is also somewhere close to normal, but if your discharge has a foul smell, if it's extremely sticky, if it smells like rotten curd, then you have to go to a gynec and get yourself checked. There can be a lot of reasons, nothing to worry. She'll always put you on some antibiotics, but you have to go and consult your doctor. Number 2, what is this white discharge? ये हम लड़कियों को क्यों होता है? Now I'll tell you one thing in a very very simple way.
how we clean our body every single day. We go for bath, we get ourselves washed, right? Our vagina cannot be washed. Can you put all your fingers inside your vagina and clean your vagina? It's not possible, right? And because it's not possible, the universe has gifted us with self-cleaning vaginas. Yes guys, our vaginas are self-cleaning. Wo apne aap hi, you know, andar se apne aap ko wash karte hai. Aur jab wo apne aap ko andar se wash karte hai, clean karte hai, they removed a white sticky kind of substance which is white discharge. So I think I made it very clear. Aapko white discharge samajh mein aaya, isliye wo apne aap hi na gand fek rahe hai bahar aapke body se in the form of white discharge. Okay, number 3 and very very interesting once again. Bahut interesting questions hai is baar ke, okay? Does the vagina hole become bigger if I have sex 3 times a day? My boyfriend really wants to have sex 3 times a day and I'm worried about my vaginal opening. So, even if you're having sex like 3 times a day or 4 times a day, it is absolutely alright. Aapki vaginal opening ko kuch bhi nahi hoga. You know, what is a vaginal opening? It is just like an elastic band. Abhi, I rubber band bhi nahi liya, kuch bhi nahi hai, mere paas hai nahi yahan par, but ek band hota hai, okay? Jaise ki aapke paas kuch bhi ek stretching wala band hota hai, that is a vaginal opening, okay? When you have sex, it gets stretched a little, okay? And when your sex is over, it comes back to its normal form. It's just like a rubber band. Imagine I'm holding a rubber band. Jab aap sexual intercourse kar rahe ho, or when the penis enters the vagina, it stretches like this. And when the penis is out of the vagina, it comes back. It comes back to the normal form. Okay, so vagina kuch nahi hota hai. Yes, when you give birth to a kid, or yeah, when you give birth to a kid, that's when your vagina stretches the most. Like kitna bada baby aapke na vagina se bahar aata hai. That is when the vagina stretches and usko wapis aate 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 time lagta hai. But while having sex, that little stretch, it's very easy to get it back. That's not a big problem. So you can have sex 2 times a day, 3 times a day, 4 times a day, 5 times a day. Aisa kuch bhi nahi hoga. Okay, so the next question is, what is a quickie? So frankly, ye statement, ye question dekar mujhe hansi aa gayi, because कुछ सालों पहले मैंने भी रिसर्च किया था, लाइक गूगल किया था कि क्विकी क्या होता है. बिकॉज आई वॉज वॉचिंग वन सीरीज, और बहुत पहले की बात है, इसको टाइम हो गया है, एंड उसमें लिखा था वाई डोंट वी जस्ट गो फॉर अ क्विकी. तो क्विकी का मतलब मुझे समझा नहीं था, मैंने कहा क्विकी क्या होता है. ओके, सो मैंने रिसर्च किया एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट आई नो अबाउट इट एंड आई एम हेल्पिंग यू विद दिस. अ क्विकी इज समथिंग वेयर यू एंड योर पार्टनर डू नॉट हैव दैट मच टाइम. एंड फॉर एग्जाम्पल, अभी आप आपके घर पे अकेले हो और यू जस्ट स्नीक्ड इन योर गाय एट होम. ओके, एंड घर वाले बस आने वाले, लाइक दे जस्ट ऑन द वे, लाइक गेट पे पहुंच गए, एंड यू स्टिल आर अराउज्ड एंड यू वॉन्ट टू हैव सेक्स, दैट्स व्हेन यू गो फॉर अ क्विकी. क्विकी मतलब क्विक सेक्स. Okay, that's when you go for a quickie, like फटाफट कर लो, निपटा लो, and then done. And in this quickie, you don't have time for any foreplay, you don't have time for like deep and you know very passionate kisses and that's it. No, ये सब नहीं है. It's just like sexual intercourse happening and getting done with it, which is quickie. और ऐसा कुछ भी नहीं कि because there is no foreplay or because there is no you know deep kisses and everything, there will be no pleasure. There is equally that much pleasure, your orgasm in quickies also, and it's just another experiment that couples always want to try out. There is one more question which I want to address. I have in my previous videos maybe addressed it, but I know there are a lot of girls who want to know about it. That is the reason I will take it again in this video. I will take this question again, and which is, does popping eye pills at a younger age cause problems with pregnancy in future? The answer is yes. Yes, I am not very sure about प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स देगा या नहीं, बट आई विल टेल यू वन थिंग दैट इट विल डेफिनेटली मेस अप विद द हॉर्मोन्स ऑफ योर बॉडी, डेफिनेटली. एंड हॉर्मोन्स इन टर्न अफेक्ट योर स्किन, योर हेयर, योर एंटायर बॉडी, योर मूड स्विंग्स, एवरीथिंग. एंड वॉट इज अ नाइबल, जब वेन यू थिंक दैट द सीमेन हैज एंटर्ड योर वजाइना एंड यू थिंक दैट यू माइट गेट प्रेगनेंट, यू गो एंड पॉप एन आईपिल, राइट? एंड उस टाइम पर उस आईपिल खाने से यू फील दैट अब नहीं होगा, बिकॉज आईपिल ने पूरे साइकिल को रिवर्स कर दिया है, आईपिल ने आपके पूरे सिस्टम को घुमा दिया है. तो आप बताओ, एक आईपिल जो आपके पूरे सिस्टम को घुमा सकता है, जो आपको प्रेग्नेंट होने से बचा सकता है, मतलब उल्टा लेके जा सकता है आपके पूरे सिस्टम को, वो आईपिल कितना ज्यादा आपके हॉर्मोन्स के साथ खेल रहा है, बिकॉज ऑफ विच इट कैन टर्न द साइकिल रिवर्स. आप ही बताओ. तो अगर आप एक आईपिल से, ठीक है, आई अंडरस्टैंड वन आईपिल समटाइम्स पीपल हैव, कपल्स आर कंप्लीटली ऑलराइट, बट अगर आपको इस चीज की आदत पड़ गई, तो एवरी टाइम यू पॉप एन आईपिल, एवरी टाइम द सिस्टम गेट्स रिवर्स्ड,
every time it gets reversed, and that is the reason it will just mess up with your hormones a lot. And I'm not sure about pregnancy, but I think pregnancy has a lot to do with your hormones, so please be careful. Please use a condom, that's the safest way. And try not to pop eye pills a lot. Once in a blue moon, once in a while, it's fine, but zyada please mat lena. Okay. Can females have multiple orgasms? A very, very, very interesting question. Yes, guys, females can have multiple orgasms without waiting for a lot of time between the two orgasms. Whereas men, okay, for example, if your man has come or he's just got an orgasm, it will take him some time to get that erection first and then to come first. At least, I don't know how much time, depends from man to man, but usko bahut time jayega. But for a woman, it is not like this. For a woman, if you've come right now, you can come in the next minute as well, which is very, very beautiful, because we women can get multiple orgasms, but men can get, but they have to like literally wait for a very, very long time for them to again get aroused, again get the erection, and then come. Hi Isha, so I am in love with watching porn, but sometimes I get guilty for watching it. Also, have you watched porn? Please make me feel less guilty. Okay, a very interesting question. Firstly, there is nothing to feel guilty in watching a porn. A porn is nothing. It's just two people having sex and you are watching it because they've put up on that site. So it's completely normal. It's always normal to watch porn when you are aroused, so that you can help yourself jerk off or you can help yourself come. And whatever is the reason, it's absolutely all right. And bilkul bhi guilty feel karne ki zarurat hai nahi. It is normal. Ek cheez main aapko porns ke bare mein ye batana chahungi ki porn mein na bahut hi artificially sex ko dikhaya jata hai. बहुत ही सुपरफिशियली सेक्स को दिखाया जाता है. लाइक बहुत लाइक सम द गर्ल इज ऑलवेज शेव्ड एंड यू नो देयर इज नो अंडरआर्म ओडर और क्या होता है, मैंने मतलब बहुत चीजें होती है जो आपको लगता है कि वाओ ऐसा होना चाहिए यार, मेरे में तो बहुत पिगमेंटेशन है मेरे वजाइना में यार, मेरे तो हमेशा यहाँ पर बाल होते हैं, यू नो दैट कैन पुट यू इन क्वेश्चन. नंबर टू, दे आर पोजिशंस, समटाइम्स दे शो पोजिशंस विच आर नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन, बट गाइज दे आर porn stars, they are actors, they are trained to do that. We are normal human beings having sex. Jo aapko sahi lagta hai us position mein karo, unko copy karne ki koi zarurat nahi hai. That is just for your own masturbation, arousal, entertainment. Aap uske liye dekho, unse copy mat karo. There are a lot of times usme you know girls squirt karti hai. Now what is squirting is when sometimes there is a liquid coming from a girl's vagina also. Porn mein kabhi kabhi wo jo लिक्विड है वो लिक्विड को ऐसा मतलब लिटरली एक शावर की तरह दिखाया जाता है. सो दैट इज बुलशिट. ऐसा आई डोंट थिंक होता है, लाइक मेरे नॉलेज में तो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता. नॉर्मली गर्ल्स में स्कोटिंग बहुत मतलब सब में भी नहीं होती, कभी कभी होती है, सो विच इज नॉर्मल. तो आई विल जस्ट से दैट डोंट आइडियलाइज पॉन इन अ वे दैट ओ माई गॉड दिस इज हाउ सेक्स नीड्स टू हैपन. ऐसा कुछ भी नहीं है. सेक्स में बहुत चीजें होती है. सेक्स में समटाइम्स फनी मोमेंट्स होते हैं, सेक्स में समटाइम्स यू नो एंग्री मोमेंट्स होते हैं, partner finishes fast and you have not finished. तो सब बहुत चीज़ होते हैं. Porn is like a happy film, but film में और reality में फर्क होता है क्या? नहीं, right? So yeah, and this solves your question. You ask me, do I watch porn? I don't watch porn currently. I have not watched like एक डेढ़ साल, दो साल, तीन साल, नहीं हाँ तीन साल तो हो ही गए मैंने नहीं देखा है porn. But बचपन में मेरे में बहुत ज्यादा मस्ती थी to see ये क्या होता है, मतलब कैसे होता है देखने के लिए. तो I have watched porn at that time and I feel it's absolutely normal. Hi Isha, I have butt acne and pigmentation. Can you please tell me what to do? Okay, so मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी on pigmentation on your back, butt and chest area. उस वीडियो का नाम था buying Diwali gifts for my family, friends and my house helps. उसमें there was an integrated video on Bee Body Wise का salicylic acid body wash, which helps you you know clean your body. And there is a lactic acid body lotion जो आपकी pigmentation को कम करेगा. Please go ahead and try it out for at least 3 to 4 months, you're definitely going to see results. I have promoted it, that is the reason I'm saying it, because I myself use it. Okay, one question. During sexual intercourse, if the boy has a hand on your boob, does the boob size increase?
एब्सोल्युटली नो, दिस इज बुलशिट. बूब साइज ऐसे ही इंक्रीज नहीं होता यार. अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ. इफ बूब साइज वुड बी सो इजी टू इंक्रीज, ओके, जस्ट बाय टचिंग और जस्ट बाय फॉन्डलिंग इट और जस्ट बाय प्रेसिंग इट, जस्ट बाय लिकिंग इट, सकिंग इट, वट एवर, इतना इजी होता तो वट वी ऑल हैव लार्ज साइज बूब्स, इजंट इट? है ना, कि जिनके पार्टनर्स है वो पार्टनर्स उनको करेंगे, जो सिंगल है मेरी तरह वो अपने आप को करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बूब साइज कैन नॉट बी इंक्रीज सो फास्ट. द ओनली वे यू कैन इंक्रीज योर बूब साइज इज टू थिंग्स. वन, व्हेन यू पुट ऑन वेट. ओके, योर बूब साइज इज अ लॉट टू डू विद योर वेट. माई बूब्स हैव रिलेटिवली बिकम स्मॉलर इन साइज बिकॉज मेरा वेट घट रहा है. तो मैं इसलिए ब्रा शॉपिंग नहीं जा रही हूँ बहुत दिनों से, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद मैं और अभी वेट लूज करूंगी तो ना मेरा और छोटा हो जाएगा बूब्स, एंड आई वॉन्ट टू लाइक shop at that time, isliye I'm also not doing it. Otherwise there is nothing to do with kissing, touching, pressing, kuch se aapka boob size increase nahi hoga. I'll be taking up the last question for today, which is your worst period experience. Okay, so the worst period experience will be when I was in school, okay, and मुझे उस टाइम पर बहुत शर्म आती थी पीरियड्स के नाम से. भले वी वर अ गर्ल स्कूल एंड वी डिडंट हैव इतना कुछ टू शर्माओ फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज अगर गर्ल स्कूल होता फिर और भी तुम फ्रीली घूमते हो, बट फिर भी इट वॉज न्यू फॉर मी. बस मेरे को 2 महीने ही हुए थे होकर और मुझे पीरियड्स हो गया, और जब मैं उठी पूरे क्लास ने बोला hey, you got your period, you know, ऐसे हो गया. और मैं उस टाइम पर डर गई, मैं ऑलरेडी एक डरी हुई बच्ची रहती थी और मेरे पे सडनली इतना अटेंशन आ गया, तो मेरे लिए बहुत एम्बेरसिंग हो गया. एंड उस टाइम पर एक लड़की ने मुझे अपना स्वेटर दिया, मैंने फटाफट बोला एंड शी सेड गो टू द वॉशरूम, गो वॉशरूम नाउ. पूरा क्लास मुझे बोल रहा है वॉश इट नाइसली, टेक सोप एंड वॉश इट. तो मतलब पूरा जब अटेंशन मेरे पे आया, दैट टाइम इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग. लाइक अब मैं जब उसको सोचती कि क्या हो गया यार, देख लिया तो क्या हो गया, पीरियड्स ही तो है, नॉर्मल ही तो है कि सबको होता है पीरियड. मतलब अब मैं वो सोचती हूँ, बट उस टाइम पर इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी. एंड आई कम फ्रॉम अ गर्ल्स स्कूल, तो देयर वर ओनली गर्ल्स. बट अभी तो मुझे लाइक बॉयज के सामने भी इफ यू स्टेन समटाइम्स आई फील इट्स ऑल राइट, लाइक इट्स वेरी नॉर्मल. थोड़ा बहुत अजीब होगा बट इतना कुछ डरने घबराने की जरूरत नहीं है. बट उस टाइम पर स्कूल में थे एंड ऐसा लग रहा था कि ओ शिट, मतलब वो वाली फीलिंग आ गई थी. एंड लकीली आई वाज इन अ गर्ल्स स्कूल. आई एम श्योर जो कोएड स्कूल्स में रहेंगे जिनमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होते हैं, उसमें जब ऐसे एक्सपीरियंस हुई है कि, तो लेट मी नो आप लोग को साथ ऐसा कभी हुआ है क्या कि बॉयज के सामने आपको स्टेन लगा है, तो हाउ डिड द क्लास रिएक्ट. एंड अगर ऐसा अभी भी हो रहा है तो प्लीज नॉर्मलाइज इट, कुछ बड़ी बात नहीं है. मैं तो ना जब मेरा अगर इफ आई एवर गिव बर्थ टू अ बेबी बॉय, आई विल टेल हिम, लाइक जब वो थोड़ा बड़ा होगा एंड जब लड़कियों का पीरियड्स का एज हिट होता है लाइक 15 16 के टाइम पर, मैं उसको उसी टाइम पर एडुकेट करूंगी अबाउट पीरियड्स. और मैं उसको ये भी बोलूंगी कि बेटा अगर तेरे क्लास में कोई लड़की को ऐसा स्टेन लगा है या पीरियड होगा तो मदद करेगा उसकी, ना ही तो उसका मजाक उड़ाएगा, ना ही तो हॉ करेगा. यू विल टीच हर इन फैक्ट इफ शी डजंट नो, एंड यू विल टेल हर दैट इट्स ऑल राइट. एंड आई थिंक वी ऑल शुड यू नो ब्रिंग अप मेन like this because they should know that what period is. And मैं तो अपने बच्चे को literally periods की उम्र में उसी को सिखाऊंगी कि तेको ऐसा कभी होता है तो you are going to help the girl rather than making fun or rather than gossiping कि oh my god तुझे पता है उसको क्या हो गया उस दिन, वो सब तुझे नहीं करना है. This brings us to the end of today's video. I hope आपको आज के वीडियो में मजा आया होगा, आपने अपने आप को एजुकेट किया होगा. एंड प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं होता है. तो प्लीज लेट्स मेक इट एन एजुकेटिव, इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस. एंड गाइज दैट्स इट. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी इन दिस न्यू जर्नी ऑफ माइंड. And I will be back with another episode of my birthday series very, very soon.